तो आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस फार्मूला। ठीक है, इंफॉर्मेशन फार्मूला कहाँ होते हैं आपके? इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स में भी कुछ बता देता हूँ आपके, जो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन डेटाबेस ये सब आपके होते हैं मोर फंक्शंस में। ठीक है, ये स्टैटिकल के स्टैटिक्स से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन के ये हैं, जिस कैटेगरी के होते हैं वही काम करते हैं। इंजीनियरिंग का है, डेटाबेस का कहीं भी इसमें लिस्ट नहीं है, पर एक कैटेगरी डेटाबेस फॉर्मूलाज की भी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सम इफ एवरेज इफ, हमने सम इफ काउंट इफ हमने कल किया था। ठीक है, एवरेज इफ मुझे नहीं लगता उसमें बताने की ज़रूरत है, एवरेज ही निकालता है उसकी तरह से, तो वो वाला देख लेंगे, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। दूसरा, इसमें मान लीजिए कि मेरे पास कोई रेंज है, अब एक होता है आपका स्टैटिकल इसमें स्मॉल का फार्मूला। स्मॉल का फार्मूला क्या करता है, ये बताया था मैंने शायद चूज के साथ। स्मॉल का फार्मूला क्या करता है, इसमें यहाँ पर एक रेंज देते हैं और के मतलब पोजीशन है कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए या थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं 1 वैसे ही डाल देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, अभी ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई आपकी। कभी आपको ऐसा आ सकता है कि आपके पास एक डेटाबेस आ गया, आपसे मांगा गया कि टॉप 10 फार्मूला के बेस पे वैल्यू आप निकाल दो, टॉप 10 या बॉटम 10। ठीक है, तो ये के जो है, मैं के वही पोजीशन है आपकी कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, तो ये आपका एक तरह से सॉर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपका हो गया, हाँ, स्मॉल का फॉर्मूला। लार्ज लार्ज भी ऐसा ही फॉर्मूला है, इसमें आपने एरे ले लिया और के पोजीशन यानी फर्स्ट स्मॉल, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, ये आ गया। अब इसका यूज़ मैंने चूज़ के फॉर्मूला के साथ शायद दिखाया होगा कि जैसे मान लीजिए नंबर है और मुझे सॉर्टिंग करके दिखानी है कहीं। ठीक है, तो सॉर्ट के लिए मैं जैसे करता हूँ कि हमें एक डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट ले लेते हैं। डेटा वैलिडेशन लिस्ट सॉर्ट में मैं डाल देता हूँ ASC और DESC, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि असेंडिंग करूँ तो यहाँ जो नंबर जनरेट हों वो असेंडिंग में हो जाए, और डिसेंडिंग करूँ तो डिसेंडिंग में हो जाए, बेसिकली यही नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला लगाऊँगा चूज़ का। ठीक है, और ये 2 फार्मूले दूंगा, इससे पहले एक इफ़ का फार्मूला लगाऊँगा कि अगर ये इक्वल टू ASC है तो 1 आ जाए, अदरवाइज 2 आ जाए। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग पे 2, असेंडिंग पे 1। अब मैं एक चूज़ का फार्मूला लगाऊंगा और उसमें इंडेक्स नंबर को मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, और वैल्यू 1 में दूंगा, यानी 1 का केस क्या होगा, असेंडिंग का, तो वो वहाँ पे दे दूंगा स्मॉल का फार्मूला कि इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए। ठीक है, और वैल्यू 2 में मैं लार्ज का फार्मूला दे दूंगा, यानी कि अगर 2 आए तो वहाँ लार्ज का फार्मूला चले। के पोजीशन यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, अब इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा तो ये आ रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग। यही फार्मूला अगर आपने बनाया है सही से, यहाँ पे मैं फ्रीज़ कर देता हूँ और इस पूरे फार्मूला को मैं उठा लेता हूँ कॉपी करके, और यहाँ डाल दिया मैंने कि जो ये चूज़ का फार्मूला, ये इंडेक्स नंबर है, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट कर ले अपने आप।
ठीक है, और ये फार्मूला को जब मैं नीचे डाल दूंगा तो अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी के अंदर हमने वो फार्मूला बिल्ट कर दिया है। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, यही फार्मूला ऑटोमेशन होता है। ठीक है, तो स्मॉल लार्ज का समझ आया। रैंक का एक फार्मूला होता है कि मैंने पता करना है कि ये 86 जो है ये वैल्यू कौन सी रैंक पे है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो रैंक का फार्मूला डालेंगे हम, इसमें हम नंबर देंगे कि क्या हम ढूंढ रहे हैं, रेफरेंस देंगे कि इसमें, ठीक है, और ऑर्डर असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग में 13th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 13th पोजीशन पे है ये, और अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो ये डिसेंडिंग में निकालेगा, डिसेंडिंग में 2nd पोजीशन पे है, तो यानी कि यहाँ लार्ज में ये रहा 2nd पोजीशन पे। ठीक है, तो रैंक आपका यही निकाल के देता है डेटा में कौन सी रैंक पे एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, इसके बाद आपके होते हैं, इसमें से आपको निकालना है मान लीजिए मैक्स किसी रेंज में से, तो मैक्सिमम मिनिमम का पता होगा आपको, मैक्स तो ये मैक्सिमम निकाल के दे देगा, मिन मिनिमम निकाल के दे देगा। देखिए इसमें पता क्या, दो फार्मूला होते हैं, जैसे एक इसको ले लेता हूँ, एक मैक्स ए, मिन ए, एवरेज ए, इस तरह के फार्मूला ए लगा हुआ है, तो ये वही काम करते हैं जो काउंट ए करता है आपका, पर थोड़ा सा अलग है। काउंट ए जो है टेक्स्ट को काउंट करता है, पर एवरेज टेक्स्ट की कैसे निकालेगा, तो टेक्स्ट की नहीं है, ट्रू फॉल्स की एवरेज निकालता है। ठीक है, एवरेज या मैक्सिमम, मान लीजिए अगर सारे नंबर 0 हैं, ठीक है, और इस तरह से डेटा है, तो मैक्स का फॉर्मूला यहाँ क्या देगा, 0, पर मैक्स ए क्या देगा, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, नहीं कि ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है ना, तो 0 के आगे तो 1 ही बड़ा है, तो बस ये ए वाला उसको भी इंक्लूड कर लेता है। इसी तरह से मान लो कि इसमें होता 0.5, ठीक है, 0.25 इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, अब एवरेज अगर निकालूँ इसका, तो एवरेज क्या निकलेगा, ये निकल रहा है, पर एवरेज ए उस ट्रू को 1 की वैल्यू के साथ इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, तो इसकी एवरेज ये आएगी, यानी कि अगर यहाँ ट्रू की जगह 1 की वैल्यू होती तो उसका भी यही आता, समझ रहे हो। तो ये सब सिर्फ यही करते, इसको ट्रू फॉल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसे हमने मैक्सिमम मिनिमम निकाला है, अब हमें मीडियन होता है कि बीच का सा नंबर कोई, तो इस रेंज में जो बीच का नंबर है वो निकाल देगा, जो इसका मीडियन होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक्स टर्म है ये, मैक्स मिन मीडियन। ठीक है, एवरेज इफ का हमने एक दिखा देता हूँ, एवरेज इफ रेंज, मैंने ये रेंज चूज़ की, क्राइटेरिया मैंने कहा कि ग्रेटर देन 50, इसमें भी अगर एवरेज रेंज में ही आपका क्राइटेरिया है तो एवरेज रेंज देने की ज़रूरत नहीं है अलग से, 68.625 एवरेज इफ, तो ग्रेटर देन 50 जितनी वैल्यू है उनका एवरेज निकाल लिया, कंडीशनल एवरेज है। ठीक है, तो ऐसे ही एवरेज इफ्स है जहां आपके पास दो कंडीशन हो। ठीक है, कंडीशन के बेस पे ग्रेटर देन 50 वाली सारी रेंज सिलेक्ट करके उसका एवरेज निकाल दिया।
ठीक है, जो भी ग्रेटर देन 50 मिली होंगी, इसे ग्रेटर देन 50 यहाँ से शुरू हो रही है, तो इनका एवरेज क्या आ रहा है, 6.625, यही ठीक है, कंडीशनल एवरेज है। ठीक है, एक यही स्टैटिक्स में ही एक फार्मूला होता है कन्वर्ट का, बहुत वास्ट फार्मूला है, जैसे आपको फारेनहाइट से डिग्री में करना है, पौंड से केजी में करना है, तो ये सब में कन्वर्ट यूज़ होता है, फुट से मीटर में करना है। ठीक है, तो इसका आपको ना यूनिट फ्रॉम नंबर देना होता है कि एक देखो जी ग्राम के लिए है, तो 1 ग्राम को मैंने किया एलबीएम पाउंड में, ठीक है, तो ये आया उसका, उल्टा भी कर मान लीजिए सकते मैं आपको कोई नंबर दे सकता हूँ ना, एलबीएम, और इसको मैं ग्राम में निकाल लूँ, तो 1 पाउंड कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो कन्वर्ट का फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लो, सारे इसके जो है आपको बता देगा कि किससे किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, फिर डिस्टेंस के लिए है, टाइम के लिए है, ठीक है, प्रेशर के लिए है, फोर्स के लिए है, एनर्जी के लिए, पावर के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, बहुत सारे हैं, मतलब जितना आपको पता हो उतना यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर के लिए, वॉल्यूम के लिए, एरिया के लिए, बिट बाइट में कन्वर्जन हो, स्पीड का है, योटा जेटा एक्सा पेटा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बाइनरी प्रीफिक्स आई तेरी, ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ये 1 पाउंड को केजी में किया तो ये आया, 68 फाइनर हाइट को फारन हाइट को सेल्सियस में किया तो 20 सेल्सियस आया, 2.5 फिट को सेक क्या कर रहा है, डेटा टाइप आर नॉट द सेम, तो मतलब ये सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा था, तो दोनों फिट को सेकंड में कैसे करेगा, तो इसलिए एरर दे दी इसने। अब इसने कन्वर्ट के अंदर एक चीज़ लगाया है कि 100 फिट को इसने मीटर में किया, और जो रिजल्ट आया फिट से उसने फिर मीटर में किया, तो बेसिकली क्या था, स्क्वायर फीट को इसने स्क्वायर मीटर में चेंज किया है, 100 स्क्वायर फिट को इसने 100 स्क्वायर मीटर में चेंज किया है, ये आया। ठीक है, उसके लिए यही प्रीफिक्स लगेगा, ये इसी तरह से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट का बहुत पावरफुल फार्मूला है, यूज़ कर सकते हैं हर एक तरह में, जहाँ पे भी कन्वर्जन का काम हो। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन फंक्शन पे चलते हैं, इंफॉर्मेशन कैटेगरी इंफॉर्मेशन के फॉर्मूले कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे सेल एरर टाइप इज वाले जो हैं, जितने भी फंक्शन इज से शुरू हो रहे हैं, ये ट्रू फॉल्स में वैल्यू देते हैं, जैसे इज ब्लैंक तो ब्लैंक है कि नहीं, इज एरर एरर है कि नहीं, इज ईआरआर और इज एरर में एक डिफरेंस है कि इस ईआरआर में हैश एनए को ये एरर नहीं मानता है, तो हैश एनए कहीं होगा तो ये फॉल्स देगा, पर इस एरर हैश एनए को एरर मानता है और ये हैश एनए आने में हाँ ट्रू रिटर्न करेगा, इज इवन कि नंबर आपका इवन है कि नहीं, और कौन सा इस फॉर्मूला उस सेल में फॉर्मूला है कि नहीं, लॉजिकल ट्रू फॉल्स है कि नहीं, इज एनए ये स्पेशली एनए वाली एरर के लिए एनए है कि नहीं, नॉट अवेलेबल की, इज नॉन टेक्स्ट, नॉन टेक्स्ट क्या होता है ये खुद बताएगा, चेक्स वेदर द वैल्यू इज नॉट टेक्स्ट, ब्लैंक सेल्स आर नॉट टेक्स्ट, रिटर्न टू फॉल्स, नंबर भी टेक्स्ट नहीं है, तो नंबर और ब्लैंक को ये नॉन टेक्स्ट मानता है। ठीक है, इज नंबर नंबर है कि नहीं, ऑड है कि नहीं, एड्रेस है कि नहीं, रेफरेंस आपने जैसे इनडायरेक्ट से बना लिया कोई, वो बना है कि नहीं वो चेक करेगा, इज टेक्स्ट टेक्स्ट है कि नहीं, एन का फंक्शन मैंने बताया था कि नंबर
में नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये इस वाले एक आध बताऊंगा और ये सेल इन्फो आपको बता देता हूँ, क्योंकि सेल इन्फो जो है वाइड फॉर्मूला है। सेल यह आपको सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है, क्या क्या है, इन्फो टाइप और रेफरेंस। जिस रेफरेंस को आप चूज़ करोगे, इन्फो टाइप जैसे आपने एड्रेस का और कॉमा में कोई रेफरेंस चूज़ कर लिया, तो ये उसका आपको एड्रेस दे देगा जो एड्रेस का फॉर्मूला करता है। ठीक है, अगर इसमें कोई रेफरेंस नहीं देते हैं तो ये खुद का ही एड्रेस देगा। ठीक है, सेल कॉलम, कौन सा कॉलम है, कॉलम का फॉर्मूला था हमारा सेल कलर, पर ये कलर कुछ अलग है। जैसे मैं C1 चूज़ कर लेता हूँ तो अभी ज़ीरो आ रहा है। कलर से मतलब है कि वैल्यू जो आपकी फील्ड है वो फॉर्मेटेड होनी चाहिए नेगेटिव नंबर वाले कलर फॉर्मेट में, ये इसके लिए है। तो अगर ऐसा है तो ये 1 देगा और हर केस में 0 देगा। ठीक है, सेल कंटेंट जो उसके अंदर लिखा है, जो कि हम डायरेक्ट उससे भी ले लेते हैं, क्या नाम है, डायरेक्ट इक्वल टू करके भी सेल रेफरेंस ले लेते हैं, उससे आ जाता है। तो कंटेंट में जैसे मैंने कहा कि यहाँ का कंटेंट क्या है, ये आ गया। सेल फाइल नेम, फाइल नेम क्या है, अभी कुछ नहीं आ रहा, सेव कर देता हूँ क्योंकि फाइल सेव नहीं है। डेस्कटॉप है, इंफॉर्मेशन डेटाबेस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ हमने फाइल नेम डाला था, ये आ गया, पाथ आ गया पूरा पूरा, फाइल का नाम आ गया और शीट का नाम आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये दे देगा। सेल फॉर्मेट, अब ये फॉर्मेट कौन सा है, जैसे ये करता हूँ कि इस पे नंबर फॉर्मेट कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, इस पे मैं अभी आता हूँ, तब तक आगे देख लेते हैं। प्रोटेक्ट, ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स विद ब्रैकेट है, इसको हम चल जाते हैं। अब इसको फॉर्मूला को यहाँ से देख लेते हैं, रो टाइप विड्थ सब देता है। तो ये यहाँ क्या क्या कह रहा है कि प्रीफिक्स द वैल्यू जहाँ पे लेबल, मतलब अगर उसमें टेक्स्ट है तो ये कोटेशन मार्क, ये कोटेशन मार्क देगा अगर लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है, मतलब उसका अलाइनमेंट लेफ्ट में है, तो डबल कोटेशन मार्क अगर राइट अलाइंड है, कैरेट का साइन अगर सेंटर्ड में है, बैक स्लैश इफ फिल वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है उसमें है, एंड एम्प्टी टेक्स्ट इफ द सेल कंटेन्स एनीथिंग एल्स, तो अलाइनमेंट चेक करता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रोटेक्ट 0 अगर नॉट लॉक्ड है, 1 अगर सेल लॉक्ड फॉर्मेटेड है। ठीक है, टाइप ये क्या करेगा, बी ब्लैंक के लिए रिटर्न करेगा, एल कोई टेक्स्ट लिखा हो उसके अंदर, तो वी अगर कोई नंबर हो तो। ठीक है, विड्थ कॉलम की विड्थ कितनी है वो देगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एक्चुअली यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, इसका VBA में भी यूज़ होता है, तो इनको मैक्रोस के साथ यूज़ किया जाता है मोस्टली। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें खुद ही इन फॉर्मूले से मिल जाती है। हाँ, पैरेंथीसीज, पैरेंथीसीज में क्या आ रहा है, इसमें 1 इज सेल्फ फॉर्मेटेड विद पैरेंथीसीज फॉर पॉजिटिव और ऑल वैल्यूज अदरवाइज रिटर्न 0। पैरेंथीसीज मतलब वो ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर आपने ब्रैकेट का फॉर्मेट बना रखा है इसलिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ये फॉर्मेट की, ये फॉर्मेट उसने क्या दिया था, F2 माइनस कुछ दिया था, F2 माइनस। अब ये फॉर्मूला मेरे किस तरह से काम आया था, यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं डेसिमल में। ठीक है,
4 डेसिमल 5 डेसिमल कुछ भी। तो अब जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, इसमें क्या था कि ये 2 में मुझे दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है 3 में, ठीक है। अंदर वैल्यू कुछ है, बाहर कुछ और है, ये दिखा रहा है 1 में, ठीक है। तो एक बंदे ने मुझसे कहा था कि ये जो है मुझे जो दिख रहा है ना उसका टोटल चाहिए, हाँ। एक्चुअली ये एंट्री सैप में पड़ी थी, तो सैप में पड़ने के कारण ये लाखों का डेटा था जिसमें करोड़ों का डिफरेंस आ रहा था, इसकी वजह से, पॉइंट्स की वजह से ही। तो वो कह रहा था कि हमें वही एंट्री करनी है जो, वही एंट्री करनी है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैंने एक फार्मूला बना के दिया, मैंने कहा मुझे पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा है, राउंड करूँगा पर कितने डिजिट तक करूँगा मुझे मालूम ही नहीं, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है ना, अंदर वैल्यू कुछ और पड़ी हुई है। तो राउंड तो करना था पर मुझे डिजिट नहीं स्पेसिफाई हो रही थी कि कितनी डिजिट तक करना था। तो मैंने ये सेल का फार्मूला ऐसे ही मतलब रिसर्च करते हुए एक एक फार्मूला को देखा और फॉर्मेट में मैंने जाके देखा कि इसको लगाऊं तो क्या आता है। तो इसने मेरा काम थोड़ा सा आसान किया, जहाँ पे डबल डेसिमल की वैल्यू दिखाई दे रही है वहाँ पे F2 दिखा रहा है, जहाँ 3 डेसिमल की आ रही है वहाँ F3 दिखा रहा है, जहाँ 1 डेसिमल की आ रही है F1 दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट का एक फार्मूला लगाया और इसमें से F को हटवा दिया, कि मैंने कहा कि F की जगह ब्लैंक कर दो, नंबर आ गए सीधे सीधे, और यही नंबर मैंने दे दिया राउंड के अंदर कि वैल्यू को, इस वैल्यू को राउंड कर दो इतने डिजिट तक, ठीक है। तो अभी ये जो दिखा रहा है डबल डेसिमल में दिखा रहा है, क्योंकि एक फॉर्मेट अप्लाई हुआ, अगर मैं कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज़ करता हूँ कहीं इसको, तो मेरे को वही दिखाएगा जो दिखा रहा है और एक्चुअल वैल्यूज़ ये आ गई, ठीक है। तो इसने काम किया, यानी कि अगर इसका मैं फॉर्मेट अगर यहाँ से जनरल कर दूँ तो ये मुझे एक्चुअल वही दिखा रहा था जो दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ माइनस F2 आ रहा था, खैर माइनस तो था ही नहीं उसमें, मतलब अगर था तो मैं उसके लिए आगे भी कर सकता था ना कुछ और जुगाड़, पर उस केस में नहीं था माइनस, ठीक है। तो फिर माइनस के लिए मैं अलग स्ट्रेटजी लगाता, ABS में डाल देता उसको, है ना, या माइनस को भी उड़वा देता, ABS में तो नहीं आएगा, माइनस बाद में, ठीक है। तो माइनस को भी सब्स्टिट्यूट से आउट करवा देता। तो मैंने जो फाइनल फार्मूला दिया, मैंने ये कॉपी किया इसको इसके अंदर, ठीक है, और ये पूरा फार्मूला मैंने कॉपी कर दिया राउंड के फार्मूला के अंदर, ये फार्मूला मैंने दे दिया था, ठीक है। कहने का मतलब कौन सा फार्मूला कब काम आएगा आप नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इन्फो का फार्मूला है, हाँ। अभी देखो फॉर्मेट का डेसिमल ही नहीं, बहुत चीज़ें रीड करता है, जैसे कि ये सेल का फार्मूला है, सेल के अंदर गया, यहाँ आते हैं हेल्प फाइल में, यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है, मैंने थोड़ा सा पढ़ाई कर ली थी इसके बारे में। तो जनरल में ये जी देता है, सिंगल डिजिट का फॉर्मेट है तो F0 देगा, अगर कॉमा सेपरेटेड है तो कॉमा 0 देगा, डबल डिजिट है तो F2 देगा, कॉमा सेपरेटेड और डबल डिजिट है तो कॉमा 2 देगा, ठीक है, हाँ ऐसे है। करेंसी फॉर्मेट में है C0, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कस्टम नंबर फॉर्मेट पूरा रीड करता है। ये वाला हो गया कि अगर आपका नेगेटिव नंबर के लिए फॉर्मेटेड है तो C0 माइनस देता है, परसेंटेज में है तो P0 देगा, परसेंटेज 2 तक है P2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक मतलब S2, ये क्या है हैश, ये फ्रैक्शनल्स जी दे रहा है, फ्रैक्शनल और जनरल के लिए जी दे रहा है, ये MD डेट का फॉर्मेट D4 D1 2 3 4 5 6 7
जितने फॉर्मेट हैं उतने कोड देगा, हर एक के लिए अलग है। ठीक है, तो ये सब आपका होता है। इन्फो का फॉर्मूला भी कुछ सेल के फॉर्मूला की ही तरह है। इन्फो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी आपको ये देगा कि किस फोल्डर के अंदर ये आपकी फाइल सेव है, उसका पूरा पाथ दे देगा। इसमें क्या था, फाइल नेम तक जाता था, डायरेक्टरी फाइल नेम शीट नेम तक। इसमें खाली फाइल का पाथ किस फोल्डर में सेव है। हाँ, अब देखो अगर आपको चाहिए कि मुझे, अगर आपको चाहिए फाइल का नाम खाली, तो कैसे कर सकते हैं, तो आपका ये सेल इन्फो दोनों लगेगा। आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, इसमें टेक्स्ट में आपने लगा दिया सबसे ऊपर कौन सा था, सेल का फॉर्मूला, और यहाँ से आपने उठा लिया फाइल नेम, फाइल नेम, ठीक है। और फाइल नेम को न्यू टेक्स्ट मैंने करा कि न्यू टेक्स्ट क्या आएगा, वहाँ इन्फो से उठा लिया डायरेक्टरी का, ठीक है, और उसकी जगह क्या करना है, ब्लैंक, क्या आया, ठीक है। हाँ, फिर लेफ्ट राइट का आप यूज़ करके ये वो हटवा सकते हो, जो शीट का नाम आ रहा है, किसको टारगेट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, है ना। जैसे मिड का यूज़ करता हूँ कि टेक्स्ट जो इसमें स्टार्ट होगा वो टू से स्टार्ट होगा, पहला स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर कितने कैरेक्टर लेने हैं, तो ये आएगा आपका लेंथ, टोटल लेंथ इसमें से माइनस करेंगे फाइंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट विद इन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो गया, स्टार्ट नंबर मैंने कहा दो से क्या, कहीं से भी वहीं से ही कर दो, ठीक है। और अभी देख के इसको हटा लेंगे, तो लेंथ माइनस क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर मैंने नहीं नहीं राइट से लेना पड़ेगा, गलत कर दिया मैंने, राइट से ले, लेफ्ट से लेते हैं, लेफ्ट से मैंने पहले तो वैल्यू लेनी है, फाइंड क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट विद इन टेक्स्ट, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट के अंदर डाल के इसको वो हटवा दो, हाँ, या फिर इसमें हमने ये जो आया था ना हमारा फाइंड से माइनस वन तक ले लेंगे, तो माइनस वन भी नहीं चलेगा यहाँ, स्क्वायर ब्रैकेट से ही हटवा देते हैं सब्स्टिट्यूट से, ये ऊपर वाले में ये वाला ब्रैकेट पहले हटाओ, उसकी जगह ब्लैंक कर दो, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट में दूसरा वाला ब्रैकेट हटा दो, ब्लैंक कर दो, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला करते करते आपका बन जाएगा। अब इसको कंबाइन करें, तो ये फॉर्मूला पहले उठा लो, कॉपी किया, D14 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला कॉपी करो, मतलब ये किसी को नहीं समझ आएगा कि आपने किया क्या है इसके अंदर। कॉपी, D15 की जगह डाल दिया ये, और फिर ये फॉर्मूला उठाया कॉपी, और यहाँ पे D16 की जगह डाल दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका फाइल नेम के लिए, ठीक है। इसी तरह शीट का नाम भी उठवा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को टारगेट करेंगे, उसके बाद का जितना है, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए हो जाएगा, कि अगर आपको खाली शीट का नाम निकलवाना, ठीक है। तो और देखते हैं,
इन्फो में और क्या चीज़ है? नम फाइल, जितनी एक्टिव वर्कशीट होंगी आपकी, सिक्स एक्ट फाइल नाम क्या देता है, नंबर ऑफ एक्टिव वर्कशीट इन द ओपन वर्कबुक। तो मेरे ख्याल से एक और फाइल खुली होगी, इसीलिए ये दे रहा है, बैकग्राउंड में होगा कुछ ना कुछ, नहीं तो ये तीन ही देता है। इन्फो ओरिजिन, जो सबसे ऊपर सेल जो विजिबल है ना, उसका एड्रेस देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा उधर जाता हूँ, और ये अब कौन सी D4 विजिबल है, सबसे पहली सेल, तो इन्फो में ओरिजिन में ये D4, ठीक है, मतलब A के साथ में D4, लास्ट में यही आएगा। और क्या है इन्फो में OS का क्या वर्जन है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज। कैलकुलेशन मोड ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है? ऑटोमेटिक, मैनुअल होगा तो मैनुअल देगा, पर मैनुअल में ये खुद नहीं कैलकुलेट कर पाएगा कि मैनुअल है ना। हाँ, कैलकुलेशन कैसे करेगा? इन्फो नहीं, वो वही रहेगा जो था। रिलीज, एक्सेल का वर्जन कौन सा है, रिलीज बताएगा एक्सेल का कौन सा वर्जन है। 15.0 15th वर्जन है, वैसे 2013 वर्जन है, पर जो जो एक दो करके इन्होंने रिलीज किया है, तो ये उस हिसाब से ये 15th वर्जन है, ठीक है, इसीलिए 16th जो है मेरे ख्याल से 2016 वाला 16th वर्जन हो गया। इन्फो सिस्टम आपका विंडोज़ का है, मैक का है, उसके लिए तो विंडोज़ के लिए देगा ये पीसी डोज। पीसी डोज मतलब विंडोज़ का सिस्टम है। हाँ, हालांकि ये सब डिटेल में इसकी दिया हुआ है, जो आप इसकी हेल्प फाइल पढ़ोगे तो इसमें ये सब दिया हुआ है। तो हाँ, मैकिंटॉश के लिए एप्पल के जो होते हैं वहाँ मैक देता है, विंडोज़ के लिए पीसी डोज देता है, ठीक है। तो ये है आपका इन्फॉर्मेशन फंक्शन, और इन्फॉर्मेशन के बाकी जो मैं फॉर्मूला बता रहा था, ये इस एरर का फॉर्मूला इफ एरर की तरह ही यूज़ हो सकता है, ठीक है, जैसे हाँ मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कि यहाँ मान लो कुछ नंबर्स हैं और इधर कुछ और नंबर पड़े हुए हैं, हम कर रहे हैं इनसे डिवाइड, ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला डिवाइड का लगाया। तो बेसिकली जब हमारे पास फार्मूला लगा होता है और मान लो डिवाइड बाय ज़ीरो, एक भी एरर आई तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो इसका एक तरीका मैंने बताया था कि आप इसको डाल दो इफ़ एरर के अंदर, और एरर के केस में आपने क्या देना है वो डाल दो, ठीक है, तो आपका आगे का फार्मूला चल जाएगा कम से कम, ठीक है। तो कहीं भी एरर आती है तो वहाँ ज़ीरो आ जाएगा, और जहाँ जो फार्मूला है वैसा चलता रहेगा। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है, मतलब ये इफ़ एरर का फंक्शन जो आया है 2007 में आया है, इससे पहले इस एरर का ही फंक्शन था। तो इस एरर का फंक्शन सिर्फ ये बताता था कि उसमें एरर है कि नहीं, इसमें आप फार्मूला देते थे और ये बताता था ट्रू फॉल्स में, ठीक है, ट्रू फॉल्स में बताता था। तो किसके काम का हुआ, इफ़ के काम का हुआ। तो इफ़ इज एरर करके लगता था ये फार्मूला, कि अगर एरर है तो ज़ीरो देना है, नहीं तो ये जो फार्मूला था अंदर वो वैल्यू फॉल्स में लग जाता था, ये ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता था, अगर एरर है तो ट्रू फॉल्स के बेस पे वो दे देता था, ठीक है। तो इफ एरर से इज एरर ऐसे काम करता है, इफ इज एरर का कॉम्बो ही है इफ एरर, जो लेटेस्ट फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। हाँ,
तो इसमें मोस्टली हमने देख लिया ऑड इवन, इसी तरह से ये ट्रू फॉल्स बताते हैं, ठीक है। टाइप, टाइप क्या करता है, ये अलग अलग तरह की वैल्यूज़ के लिए आपको रिजल्ट देता है, कि जैसे यहाँ पे नंबर डाला मैंने, यहाँ टेक्स्ट डाल दिया, यहाँ ट्रू ट्रू फॉल्स डाल दिया, यहाँ पे एरर आ गई कोई, ठीक है, यहाँ हमारा एरे हो गया, एरे वन सेमी कॉलर टू, यहाँ एरे लग गया, ठीक है। तो टाइप का फॉर्मूला यही बताता है, ये नंबर के लिए वन, टेक्स्ट के लिए टू, ट्रू फॉल्स के लिए फोर, एरर है तो 16 और एरे है तो वन। वन कौन नंबर के लिए वन? एरे वन, एरे 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 के लिए कुछ और देना चाहिए, टाइप एरे के लिए 64 देना चाहिए, पर ये एरे 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 लेगा लेगा कैसे एरे? अच्छा, इस तरह से, यानी कि एरे दो सेल पे लगा होता है किसी पे, K16, इस तरह से ये एरे। नहीं, यहाँ पर एरे टाइप मिल गया होगा ना आपको, यही कहाँ? प्रॉब्लम है। नहीं, वहाँ तो एरे सही लिया हुआ है, यहाँ पे इसी को एरे मानते हैं। F9 15 और 16 64, पर यहाँ पे भी तो एरे था, ये काउंट ही नहीं कर रहा, ये भी तो एरे हुआ, तो ये एरे एरे के केस में यूज़फुल नहीं है। अगर 64 देता है तो ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करो, हाँ अब ठीक है। अच्छा, ये एरे फॉर्मूला भी जब बताएगा, जब ये खुद एरे की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो, एरे फॉर्मूला हम मैं बाद में बताऊंगा क्या चीज़ होता है, एरे क्या चलाते कैसे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं डेटाबेस वाले, ठीक है। डेटाबेस के बहुत आसान फंक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, सिंपली एक डेटा होता है आपके पास, कहीं से डेटा ले लेता हूँ मैं, ये डेटाबेस है, ठीक है। एक एम्प्लॉई आईडी भी डाल दो, क्योंकि ये कुछ इस तरह से भी काम करता है, E001। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने एडवांस वो करा था ना, एडवांस फिल्टर करे थे, कुछ है इस तरह का ही इसमें होता है, कि ये आईडी है, इसके बेस पे आपको पता लगाना है नेम सिटी क्या है। शर्त क्या है कि इसमें ये चीज़ यूनिक होनी चाहिए, अगर इसमें ये रिपीटेशन होगी तो एरर दे देगा ये। डेटाबेस के सारे फार्मूला डी से शुरू होते हैं, तो वी लुकअप जैसा ही है, डी गेट, ठीक है। इसमें लेगा डेटा बेस्ड फील्ड क्राइटेरिया, तो डेटाबेस आपका है ये पूरा, इसमें यही तीन पैरामीटर पड़ते हैं, चाहे कोई भी डेटाबेस का फॉर्मूला हो, ठीक है। इसको फ्रीज कर देता हूँ मैं, ठीक है। डेटाबेस दे दिया,
फील्ड क्या है कि क्या चीज़ चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए। आपने कहा मुझे नेम चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, ये है। आप हेडिंग के साथ देंगे क्राइटेरिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये निकाल देगा उसका डेटा। बाकी इसमें कुछ मैंने फ्रीज नहीं किया इसलिए से, नेम चाहिए था, इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका, ये खाली एक ही रिकॉर्ड्स के लिए हो सकता है क्योंकि इसको हर बार हेडिंग चाहिए होती है, तो इसके नीचे नीचे नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इसका खास यूज़ नहीं होता। बस ये होता है कि आप एक रिकॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, डी गेट, ठीक है। दूसरा आते हैं डी सम। जैसे सम इफ होता है, तो सम इफ में मैंने कर दिया कि मुझे संदीप का टोटल चाहिए, सेल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डालूँगा डी सम डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, वही हमेशा पड़ेगा। फील्ड कौन सी फील्ड चाहिए, सेल्स फील्ड चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा नेम है, ये सम आ गया। अब मैंने कहा संदीप की दिल्ली की सेल्स चाहिए, तो ये जो क्राइटेरिया फील्ड है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, नेम में संदीप, सिटी में दिल्ली, ठीक है, ये आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 50 करना है कि संदीप की दिल्ली की, और ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, तो ये फील्ड और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्राइटेरिया हेडिंग के साथ लेता है, पर इसका ज़्यादा यूज कर नहीं सकते क्योंकि एक आपको ये बार बार चाहिए होता है हेडिंग, है ना। इसी तरह नहीं कर सकते, और कोई मेथड ही नहीं है, आपको हेडिंग हर बार लेनी पड़ेगी हर रिकॉर्ड के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसी में डी सम की तरह डी एवरेज भी है, तो इसमें भी सेम आ जाता है। मतलब ये डी सम का ही फार्मूला मैं डी एवरेज में बदल देता हूँ, तो ये एवरेज दे देगा, ठीक है। डी गेट, डी सम, डी मैक्स, क्राइटेरिया के बेस पे। मैक्स इफ का तो फार्मूला होता ही नहीं, तो हाँ तो ये काम करेगा। इसी तरह मिनिमम का तो डी मिन का फार्मूला है, हैं, मतलब यही। तो ऐसा कोई जो फार्मूला नहीं है, तो कुछ फार्मूला इसमें दिए हुए हैं, जैसे डी मिन इस क्राइटेरिया के बेस पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, है ना। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए तो है ही नहीं, हाँ डी मैक्स। हालांकि ये तरीके, ये जो डेटाबेस के अभी सिंपल फार्मूले के थ्रू कर रहे हैं हम, ये मैं एरे के थ्रू दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, कि जो फार्मूले नहीं है उनको कैसे करना है, ठीक है। डी मिन, तो डी के ही आपके ये फार्मूले होते हैं। इसी लिस्ट में आ जाते हैं, देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं बचा। डी सम, डी स्टैंडर्ड, डी मैक्स, डी मिन, ठीक है। तो ये फार्मूले होते हैं आपके, ठीक है, डेटाबेस में। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, कल हम करेंगे फाइनेंशियल फार्मूला और शुरुआत करेंगे फिर एरे फार्मूलास की। देखते हैं कल, अगर फाइनेंशियल में ही हम एरे कर पाएँ तो हम अगला एरे जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। अच्छा हाँ हो गया अब, हाँ नेक्स्ट 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 करेक्ट, भूल गया ना, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है।